अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, बेसिक आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी है और साथ आप लोगों को एक हर्बल रेमेडी कर लें आप या होम रेमेडी कर लें आज आप लोगों को, वो भी एक मास्क सिखाऊंगी। लेकिन वो एक प्रोडक्ट है, उसके साथ वो मास्क बनता है और वो बहुत ईजिली जो है आपको मार्केट से, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से या किसी भी यानी कि जो हर्बल ड्रग स्टोर्स होते हैं उनसे आराम से आपको मिल जाएगी, ईजी अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्राइसेस में नहीं है, इकोनॉमिकल प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाती है। वो है जी प्रोडक्ट हुस्न यूसुफ। ठीक है जी, हुस्न यूसुफ के नाम से एक पाउडर फॉर्म में एक प्रोडक्ट है जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त, आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन का जो है कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा करती है, आपकी स्किन स्मूथ करती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, हर्बल प्रोडक्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं आज जो हुस्न यूसुफ का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है जी सईद घनी वालों का। इनकी प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी हैं, आप मेरे आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को और भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी जिसमें होम रेमेडी या होम जो है फेस पैक जो है मैं आप लोगों को सिखाना बताना सिखाऊंगी कि किस तरह बनते हैं और ये कैसे यूज़ होता है। क्योंकि अक्सर होता है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं लेकिन उसका सही तरीका इस्तेमाल नहीं पता होता, तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके साथ और कौन से इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे जो एक अच्छा फेस पैक बन जाएगा और आप मेरे ख्याल हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं और आपकी, यकीन कीजिए कि आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपकी जो स्किन टाइटनेस की तरफ आएगी, जो बहुत सैगी स्किन हो चुकी होती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम लेंगे जी हुस्न यूसुफ। ठीक है, उसके साथ हम लोग लेंगे रोज़ वाटर। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ले लें लेकिन प्योर होना चाहिए। ठीक है, फिर साथ हम लोग लेंगे कोई भी क्लिनजिंग मिल्क और अगर तो आप लोगों की ऑयली स्किन है तो फिर हम लोग साथ डालेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो फिर आपको एलोवेरा जेल डालने की ज़रूरत नहीं, ये वाला सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि एलोवेरा जेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको डालने की। ठीक है जी, अब हम ले लेते हैं इसके लिए एक बोल, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ओपन मैंने कर लिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है जी, कि इस तरीके से एक सैशे फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और आपने इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है, ये इस तरह की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये मैं डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। कम से कम 2.5 ले लें, मैं अपने हैंड के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप लोगों ने अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है। हाफ सैशेस भी ले सकते हैं आप। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये इस तरह से ना ये पाउडर से फॉर्म है, खशखाश होती है ना उस टाइप का ये पाउडरी फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्लिनजिंग मिल्क। ठीक है, इसी तरह जितना हम लोगों ने हुस्न यूसुफ लिए है उतनी ही क्वांटिटी में हम लोग डाल देंगे क्लिनजिंग मिल्क। ठीक है, ठीक है जी, देन हम लोग डालेंगे उतनी ही क्वांटिटी में रोज़ वाटर की, एक आपकी पेस्ट बन जाए अच्छी से। ठीक है जी, मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं एलोवेरा नहीं डालूंगी, लेकिन मैंने सिर्फ रखा इसलिए था कि जिनकी एलोवेरा, ये देखिए ये हमने एक पेस्ट बनानी है इस तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ। स्किन की ब्राइटनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त ये क्वालिटी वाइज चीज़ है, यानी कि बहुत, और साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके कोई भी। ओके जी, ये देख लीजिए कि इस तरह की फॉर्म में एक क्रीम सी आपको पेस्ट बनानी है। ठीक है, ये क्रीम सी पेस्ट बन गई। अब यहाँ से मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम सामने रखेंगे। एलोवेरा की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आप लोग एलोवेरा ज़रूर डालेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग करेंगे जी कोई भी इस तरह का स्पून लेंगे, स्पैचुला सा जो होता है। ठीक है, इसको हम करेंगे साइड पे और इससे हम लोग अच्छे तरीके से ये मिक्स करके तो हम अपने हैंड पे लगा के दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इतनी छोटी सी बारीक से इसके माइक्रोबीट्स टाइप के हैं हुस्न यूसुफ के, तो आप इजीली पहले इसको अच्छी तरीके से मसाज कीजिए फिर उसको आपने, ठीक है, ये देखें ये हम मसाज करेंगे इस तरह से, मसाज करने के बाद ठीक है मसाज किया, मसाज करने के बाद इसी तरह पूरा और जो थोड़ा सा हमारा जो क्रीम सी बची हुई है उसको अच्छी तरह से लगा के हमने इसको जो है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम लोगों ने छोड़ देना है और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। मैं आपको इसको ड्राई करने के बाद
10 मिनट्स बाद दोबारा मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कितना इफेक्टिव रिजल्ट आया है। ओके जी, 10 मिनट्स हो गए हैं, ये अब ड्राई हो गया है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने एक दफ़ा फिर स्प्रे वाटर करके इसको हल्का सा इस तरह से करके इस फॉर्म में, ठीक है, और किसी भी स्पंज के साथ आपने इसको आराम से जो है ना उतार लेना। आपकी स्किन की नीटनेस के लिए, आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त फेस मास्क है बेसिक, ठीक है। और सईद हनी के प्रोडक्ट वैसे ही बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होम रेमेडी में भी यूज़ होती हैं और जो इनकी क्रीम्स वगैरह भी हैं, और बहुत बहुत अच्छा जो है ना इनका इफ़ेक्ट, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये पूरा मैंने नीचे क्लीन कर लिया, इसको हम लोग साइड पे रख देते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरे इस हैंड पे और इस पे कितना वाजिया फ़र्क है इसकी ब्राइटनेस का, और एक बहुत अच्छा रेडियंस आता है, स्किन बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो गई और रेडियंस बहुत आउट क्लास है। अगर आपको मेरी प्रोडक्ट हुस्न यूसुफ के बारे में पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह।